कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि HCS से ऑप्शन हटाने के बारे में बात करी गई थी, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स मतलब एक जंग पे आ गए हैं, एक लड़ाई सी छिड़ गई थी कि ऑप्शन हटाना चाहिए उसके फेवर में भी काफी स्टूडेंट थे, और ऑप्शन नहीं हटाना चाहिए उसके फेवर में भी काफी स्टूडेंट थे। तो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे एक चीज लग रही थी कि जैसे आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो दैट इज अ गुड थिंग। एक अच्छा डिस्कशन वहां पर स्टार्ट हुआ, बहुत सारे पॉइंट वहां से आए, तो उन कुछ पॉइंट्स में मैं क्लैरिटी स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं कि कई अच्छे सजेशंस भी आए कि ऑप्शन ना हटा के क्या किया जा सकता है, बट आई आल्सो वांट टू मेक अ केस कि अभी तक जो चल रहा है उसमें ऑप्शन हटाना क्यों सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। कल वाले कमेंट देख के मुझे यह भी लग रहा था कि आपको थोड़ा सा और ऑथेंटिसिटी से बताया जाए, तो एक कमेटी आई थी, यूपीएससी ने फॉर्म करी थी, बासवान कमेटी, उसकी रिकमेंडेशंस को भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे, जिन्होंने की सेम रिकमेंडेशन दी थी और बाकी जो स्टेट्स उन्होंने उसको फॉलो भी किया था। तो अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि जैसे सबसे पहले आ रहा था नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग, तो इस वीडियो का हमारा यही है कि इट इज नॉट पॉसिबल इन HCS। फॉर एग्जांपल, अब हम एक एक कमेंट को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे हमने जो स्टूडेंट है उनकी आईडी को तो हाइड कर दिया है स्पेशली, जस्ट वैसे ये सारे कमेंट क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही हैं, तो उस वीडियो के नीचे सारे अवेलेबल हैं, बट जस्ट टू मेक द डिस्कशन थोड़ा सा आराम से। तो जैसे यहां पे था कि देयर इज नो नीड टू रिमूव ऑप्शनल, बट देयर मस्ट बी स्टेप्स टेकन बाय HPSC टू काउंटर मार्क्स डिस्पैरिटीज सच एज। ये जो स्टूडेंट, इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। नंबर वन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इवैल्यूएशन, तो ये ऑलरेडी जैसे काफी हद तक चल भी रहा है, बट उससे हो क्या रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नेचर होती है। मैथ की अपनी नेचर है, फिजिक्स की अपनी नेचर है, सिविल इंजीनियरिंग की अपनी नेचर है, तो उसमें मार्क्स अपने आप ही आपके ज्यादा भी आते हैं, उस वजह से भी दिक्कत होती है। ह्यूमैनिटीज की अपनी नेचर है। अब ये जो फाइट है अबाउट रिमूविंग ऑप्शनल, ये स्टार्ट हुई थी, एक स्टूडेंट है जैसे बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, अपने ऑप्शनल हिस्ट्री में शी स्कोर्ड टॉप मार्क्स, बट शी इज नॉट इन द लिस्ट, और उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि सर वी शुड फाइट अबाउट इट। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पिछले 4-5 साल से लगे हुए थे, तीन चार चार इंटरव्यू देने के बाद भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। यह मुद्दा पिछले साल भी हुआ था, तब भी हमने इस मुद्दे को लिया था और HPSC के खिलाफ केस भी फाइल किया गया था, और उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, बाकी स्टूडेंट भी इन्वॉल्व थे, हम चंडीगढ़ भी गए थे, लोगों से मिले भी थे, और वहां पर सबसे पहली रिकमेंडेशन पॉलिटिकल लीडर्स से भी मिला गया था, गुड़गांव में भी मिले थे, तो जो मिनिस्टर्स थे उनसे मिलकर भी हमने सबसे पहली रिकमेंडेशन लास्ट ईयर भी यही दी थी कि ऑप्शनल को हटाया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके। तो यहां पर जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एवैल्यूएशन, उसकी वजह से भी मार्क्स में डिस्पैरिटी कई बार रह जाती है। अब यहां पे जैसे सेकंड पॉइंट है कि इंटर सब्जेक्ट स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन, जिसको हमने इस वीडियो का टाइटल भी रखा है। अब यहां पे लास्ट टाइम भी जब केस आपका HPSC के अगेंस्ट हाईकोर्ट में गया था, तो HPSC ने रिप्लाई किया था, और पहले भी हर केस में HPSC ने रिप्लाई किया है कि स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन के लिए जो फॉर्मूला आपका यूज होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होने के कारण HCS के एग्जाम में अप्लाई नहीं हो सकता। HCS के मेंस में हार्डली 1500 से 2000 स्टूडेंट ही आपके अपीयर होते हैं, और उसमें से भी कई कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे स्टूडेंट्स का नंबर 3, 4, 5 या 10 से भी कम होता है, तो वहां पे आप अगर नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग लगाएंगे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि एक स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा मार्क्स मिल जाए और उसके दूसरे स्टूडेंट को बहुत ही कम मार्क्स भी मिल जाए, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ, जहां पे स्टूडेंट्स का नंबर 8-10,000 तक पहुंच जाता है तब इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है, और इसीलिए यूपीएससी या जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये वाली चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि HPSC ने बार बार इस चीज को आपका क्लैरिफाई किया है कि दिस कैनॉट बी डन इन HCS एग्जामिनेशन। नाउ अगर ये नहीं किया जा सकता तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे क्रिएट होगा? फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऑप्शंस में मार्क्स आपके ज्यादा रहेंगे, कुछ ऑप्शंस में मार्क्स आपके कम रहेंगे। नंबर थ्री आता है कि ट्रांसपेरेंसी इन द मार्किंग स्कीम। ट्रांसपेरेंसी, जैसे अभी आपके मार्क्स रिलीज होते हैं, दिखाए जाते हैं, आज से 1-2 साल पहले तो ये भी नहीं हो रहा था, आपके मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे थे। लास्ट ईयर जब हमने मिलकर इस केस को फाइल किया था, उसी के बाद तुरंत बाद विद इन 3 डेज HCS के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाए गए, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, तो वो एक अच्छी अचीवमेंट थी। और अब रेगुलरली हर एग्जाम के HPSC जो है वो मार्क्स आपके रिलीज कर रहा है, तो फाइट जो है वो लड़ी जाती है ऑन बेसिस ऑफ रैशनल आर्ग्यूमेंट। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक आ गई है, बट वो आपको ये भी नहीं बता सकते कि क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से रहता है। और हाँ, इसमें हमने एक चीज और डिमांड करी थी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जैसे गुजरात है वहां पर आपकी जो चेक्ड कॉपी है वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाली जाती है ताकि आप
उसको देख सकें, तो वो काम एचपीएससी यहां पे कर सकता है। तो ये उसका एक्सटेंशन हो सकता है, प्रॉपर कैंडिडेट फीडबैक चैनलिंग। तो यहां पे ईमेल के थ्रू कैंडिडेट्स का फीडबैक लिया जाता है, आप वहां पे जाके भी दे सकते हैं। इसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए, ये है नहीं अभी एचपीएससी में, तो ये भी बहुत अच्छा सजेशन है। बट द पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एचसीएस, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप अभी आप लोगों को और क्लैरिटी रही होगी। अब और भी जो बाकी कमेंट है उनको भी मैं साथ में एड्रेस करना चाहता हूं, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, जैसे व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, व्हाट अ नॉनसेंस ऑप्शनल हटाओ, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड ऑप्शनल गिव्स अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द हैपनिंग। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शनल को ले रहे हैं। आप अपने ही बैकग्राउंड के ऑप्शनल को लेंगे, आप कॉमर्स को लेंगे, ज्योग्राफी को लेंगे, मैनेजमेंट को लेंगे, हिस्ट्री को लेंगे, सोशियोलॉजी को लेंगे, मैथमेटिक्स को लेंगे, फिजिक्स को लेंगे, तो वो किस तरीके से न्यू वे देता है, मुझे इस बारे में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। हाँ, अब देखो डेफिनेटली आप एक चीज प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, और आपको लगता है कि अगर वो हटा दिया जाएगा तो आपके साथ एक नाइंसाफी होगी। बट अगर आप इस प्रोसेस में देखते हैं कि अगर ये डिस्पैरिटी नहीं होती तो इस डिमांड को रेज ही नहीं किया जाता। बट मतलब न्यू वे ऑफ लुकिंग, जैसे मान लीजिए यूपी ने ऑप्शन को हटा दिया, उत्तराखंड ने हटा दिया, राजस्थान, एमपी, पंजाब, सबने ऑप्शन को हटा दिया, क्या वहां पे स्टूडेंट न्यू वे ऑफ लुकिंग में नहीं आ रहे? सेम आर्ग्यूमेंट आगे भी आता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और जो भाषवान कमेटी की रिकमेंडेशन है उसमें भी। तो इट इज नॉट अबाउट कि ऑप्शन से ही आपको न्यू वे ऑफ लुकिंग मिलेगा। जीएस में भी जैसे सीसेट ऐड किया गया एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए, या फिर एथिक्स का पेपर ऐड किया गया एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए। अब जब यूपीएससी में चार जीएस के पेपर होते हैं तो क्या हम यहां पे एचसीएस में दो तीन चार जीएस के पेपर नहीं कर सकते? दैट विल आल्सो हेल्प। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो जीएस खुद से ही प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा कमेंट था कि टू ऑल द स्टूडेंट सेइंग ऑप्शनल शुड नॉट बी रिमूव्ड, अगर आपका साइंस का ऑप्शनल है वेल एंड गुड, if not then you are literally playing a game of dice with your life, sometime one optional would be butchered, another time another, forget sdm dsp from arts optional completely। ye ek bahut hi valid argument hai। isse pichli bar rank 6 jo aayi thi mudra raheja, she was topper of sociology but she could not get sdm, kyunki usse pehle sare ke sare jo students the wo mathematics optional ke the, top 10 mein I think 6 or 7 students were from mathematics optional। to ye kis type ki fight rahegi jab ek hi subject ke agar स्टूडेंट जा रहे हैं तो व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट, आर दे नॉट वर्किंग हार्ड, आर दे नॉट गिविंग एनफ एनर्जी टू क्वालिफाई, आर दे नॉट कैपेबल एनफ, आई डोंट थिंक सो दे आर कैपेबल। मैं एक मेडिकल साइंस का ग्रेजुएट था, या मतलब, और मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से भी तैयारी शुरू करी थी, इवन दो मतलब ऊपर नीचे चढ़ाव लाइफ में होते हैं, बट आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए मिलना चाहिए, तो उसी लिए हम फाइट कर रहे हैं, एंड दैट इज द ओनली थिंग। अगला कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ हाँ बना दो इसको एसएससी एंड जेबीटी। अब ये किस टाइप का आर्गुमेंट है कि एसएससी और जेबीटी, क्या वहां पे मतलब व्हाट डू यू वांट टू से कि सिविल सर्विसेज इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एसएससी एंड जेबीटी? देखो वो भी अपनी जॉब है, ये भी अपनी जॉब है, क्या वहां पे मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं जाते? एसएससी में क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं जाते, बहुत सारे एसएससी जेबीटी एसडीएम भी लगते हैं, सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई करते हैं, तो मतलब स्टूडेंट्स, या फिर मे भी हो सकता है कि ये स्टूडेंट ही ना हो, वी डोंट नो। फिर आगे आता है कि ऑप्शनल हट गया तो 45% मार्क्स कैसे आएंगे? विदाउट ऑप्शनल ऑल स्टूडेंट विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर मैक्सिमम 10-20 मार्क्स की रेंज में, देन इंटरव्यू विल बी डिसाइडिंग। यहाँ पे अब देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑप्शनल की जो डिस्पैरिटी की वजह से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे, व्हाट अबाउट देम? तो ये कहना कि कैसे मार्क्स आएंगे वो तो चेकिंग पे ही डिपेंड करता है। पिछली बार तो 61 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि 1700 में से सिर्फ 61 स्टूडेंट कैपेबल थे? इस बार इतने ज्यादा कैसे हो गए? उससे पिछली बार इतने ज्यादा स्टूडेंट हमेशा कैसे क्वालिफाई कर जाते थे? तो ये आर्गुमेंट मिनिमम मार्क्स का तो अपने आप ही आ जाएंगे अगर आप ढंग से इसको तैयार करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट आया कि ये गलत प्रमोशन हो रहा है सर, गलत चीज को सपोर्ट ना करें, रिफॉर्म्स के न्यू आइडिया सोच, रिमूविंग ऑप्शनल विल बी गिव बूम टू कोचिंग इंडस्ट्री, एज हरियाणा का सिर्फ पढ़ना होगा, ऑप्शनल का ऑप्शनल के अलग अलग टीचर्स हैं, ठीक है, कंटेंट चाहिए तो कोचिंग इंडस्ट्री को फायदा है, बट इन लॉन्ग रन नॉट गुड फॉर कंट्री एंड स्टूडेंट, आई हैव ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, स्टिल आई फील इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, दिस वे स्टूडेंट विल बी डिवाइडेड। देखो अब सबसे पहले गलत प्रमोशन हो रहा है, दिस इज अ वेरी जजमेंटल स्टेटमेंट। जब भी हम किसी चीज के बारे में आर्ग्यू करते हैं, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज राइट फॉर यू, इट कैन बी डिफरेंट, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, तो आप इसको गलत क्यों समझ रहे हैं? आपके हिसाब से गलत हो सकता है, हमारे हिसाब से ये सही है, इसलिए हम इस चीज को कर रहे हैं। सेम थिंग जैसे अब इसमें
अब ये गलत चीज किस लिए है? अगर हमें, हमने सारे फैक्ट्स आपको दिखाए, पिछले 5 साल के आपको मार्क्स दिखाए गए, तब भी अगर आपको लगता है कि ये जो डिस्पैरिटी है ये चलती रहनी चाहिए, तो मे बी दिस टाइम, इससे पहले जो मैंने आपको आर्गुमेंट दिखाया था, आपका ह्यूमैनिटी ऑप्शनल है, अगर आपके ऑप्शनल के साथ वही चीज हो जाए या किसी और ऑप्शनल के साथ हो जाए और आप उस लिस्ट में नहीं आ पाए, देन व्हाट विल हैपन? तो तब ठीक रहेगा, और हरियाणा का सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा अभी तक? अब मान लीजिए सेकंड चीज यहां पे आती है कि हरियाणा जीके, अब अगर आप हरियाणा में सर्व करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हरियाणा का पढ़ना भी चाहिए, यूपी में यूपी जीएस आती है, उत्तराखंड में उत्तराखंड जीएस आती है, राजस्थान में राजस्थान जीएस आती है, हरियाणा में तो जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं दे आर मतलब उनको तो हरियाणा का उतना पढ़ना भी नहीं पड़ता, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हरियाणा में अगर आप सर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी वन सब्जेक्ट जो हरियाणा जीएस को भी एड्रेस करता हो। हम ऑप्शनल को हटा के क्यों ना हरियाणा जीएस का ही सब्जेक्ट ले आए, क्यों ना हम जीएस पेपर 4 को ऐड कर दें, रिफॉर्म्स तो इसी तरीके से सोच सोच के ही आएंगे। और कोचिंग की जहां तक बात है तो सबसे ज्यादा जैसे कोचिंग की जो नीड होती है एक स्टूडेंट को, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ही होती है। Either you agree with this or you don't agree with this, but that is a fact. GS का maximum content हमने ही अपने चैनल पे major major books पूरी की पूरी 6-6 घंटे की क्लास लेके फ्री में पढ़ा रखी है। Majority of the content of the GS is available free of cost on internet on YouTube, but आपको अब करना क्या पड़ता है, optional का content आपको prepare करना पड़ता है, आपको checking करवानी पड़ती है। तो वहां पे अगर आप इसको, इस argument को देखते हैं कि coaching industry का सबसे ज्यादा फायदा optional में भी है, अगर मैं optional को remove करने के लिए कह रहा हूं तो इन द एंड मुझे तो कॉस्ट के हिसाब से लॉस ही हो रहा है, कैसे कोचिंग प्रमोट होगी मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, हरियाणा जीके का अगर ऐड हो जाता है तो हम तो टीचर्स हैं, हम पढ़ाने के लिए ही हैं, तो कोई भी नया सब्जेक्ट आएगा हटेगा तो उसको भी पढ़ाया जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड जिन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसको भी एड्रेस करने के लिए वॉइस उठाई जाएगी। कई सारे कमेंट ये भी थे, ऑप्शनल शुड बी रिमूव्ड, ग्रेट इनिशिएटिव, ठीक है। एक कमेंट ये भी था कि आप भाई क्यों हिंदी मीडियम वालों को मिटाना चाहता है, करवाना है तो इंग्लिश का पेपर हटाओ, हिंदी के लिए नहीं करेगा क्योंकि कोचिंग वाले मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के ही हैं। इसके देखो, अब इसमें दोनों जो स्टूडेंट हैं उनका आर्गुमेंट क्या है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, अब यहां पे जैसा मैंने आपको बताया जो स्टूडेंट मेरे पास आए थे, मैंने मुझे लगा कि उनकी आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए और मुझे ठीक भी लगा तो मैंने उठाई। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का भी मुझे यही लगता है कि अगर आप लोग अपने लिए आवाज उठाएंगे तो आई विल बी विद यू, और मैं अभी भी, और जहां तक ऐसी बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश के हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट हर स्कूल में हर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम के ही हैं, बट हमारे पास हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है, हमने अपने कंटेंट को इवोल्व किया है विद टाइम अच्छे तरीके से, प्री का, मेंस का, और जितना बेटर हो सकता है हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो हम इंग्लिश मीडियम से हैं फिर भी हम हिंदी वाले स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट फैक्ट इज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का ज्यादा सिलेक्शन हो भी नहीं रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप इस चीज को कमीशन को उठाइए, आप उनसे डाटा मांगिए हिंदी मीडियम के कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, क्यों नहीं सेलेक्ट हुए। आप अगर एक फाइट रखेंगे तो डेफिनेटली इस फाइट को आपके साथ हम भी रखेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्पैरिटी हो रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इस चीज को पहले भी बहुत सारे टीचर्स ने उठाया है और इसको भी आना चाहिए, ठीक है। अब अगला है, जैसे एवर हर्ड रिमूव द पॉवर्टी नॉट द पुअर, सेम अप्लाइज हियर, नो नीड टू रिमूव ऑप्शनल मीन्स यू ऑल वांट अ लेमन टू गवर्न यू। अब यहां पे मतलब ऑप्शनल पढ़ने के बाद आदमी बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, या जो ऑप्शनल नहीं पढ़ते वो लेमन होते हैं, आपके मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस, ठीक है। जो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, पहले भी हुए हैं, अभी भी हुए हैं, उन्होंने तो कोई फॉर्मल एजुकेशन भी कई बार नहीं ली, बट दे आर नॉट लेमन। तो इस टाइप से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑप्शनल पढ़ने से ही आदमी का वो रहेगा। तो इसमें भी जैसे बाकी स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि जैसे पिछले दो ऑप्शनल का रिजल्ट आप देखें, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, वहां पे क्या लेमन गवर्न कर रहे हैं? सो दैट इज मतलब एब्सोल्युटली मतलब इरेशनल आर्गुमेंट टू से। ऐसे ही जैसे यूपी में हटा दिया, एथिक्स का पेपर ही नहीं होता, यहाँ पे 4 पेपर हैं, ठीक है, सब जुगाड़ करवाते हैं, यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करें तो यूपीएससी पैटर्न पे डेफिनेटली एचसीएस में रिफॉर्म्स करे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगेन वही कोचिंग वालों को फायदा होगा, इसको प्रमोट मत कीजिए, लार्जर गुड इसी में ही है, कोचिंग वालों को कोई फायदा नहीं होने वाला ऑप्शनल रिमूव होने से। अगर ऐसा फायदा होता तो सारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरे साथ ही खड़े होते और वो साथ में इस बात को लेके चल रहे होते, बट नोबडी इज आर्ग्यूइंग और नोबडी इज इवन रेडी टू से अ वर्ड अबाउट इट कि ऑप्शनल हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, दे आर नॉट इवन रेडी टू शेयर देयर व्यूज। जब वो भी अपने व्यूज को शेयर करेंगे एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, क्योंकि वो भी किसी स्टेज पे स्टूडेंट रहे हैं, तब आपको एक बेटर परस्पेक्टिव मिलेगा। एज अ सोसाइटी वी हैव टू थिंक कि कैसे मेजोरिटी ऑफ द व्यूज हमारे सामने आ सकते हैं और उससे एक बेटर आउटकम आ सकता है। यहां पे हम अपने फायदे के लिए नहीं सोच सकते, और
मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है, धंधे के लिए अंधे हो गए या कोचिंग चलाने वाले। तो अगेन देखो, अब जिन्होंने ये कमेंट किया है, आई कैन डेफिनेटली टेल कि ना तो उन्हें धंधे की समझ है, ठीक है, ना उन्हें कोचिंग की समझ है। तो और धंधे को तो ऐसा बना दिया है, धंधा इज द वन थिंग जिससे कि आपकी इकोनॉमी चल रही है, आपकी सोसाइटी चल रही है, तो किसी भी टाइप का हो धंधा इज नॉट बैड। हाँ, डिसऑनेस्टी से किया गया जो भी चीज होती है दैट इज डेफिनेटली नॉट शुड बी डन। यहाँ पे सारी चीजें आपके साथ हैं, ठीक है। कमर्शियल कंसर्न, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कमर्शियल कंसर्न अगर होता तो आई वुड हैव बीन पिचिंग फॉर 2, 3, 4 ऑप्शंस। ऑप्शन हटाने से कमर्शियल कंसर्न हमारे सबके मिनिमाइज हो रहे हैं। जीएस पेपर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट अपने आप ही प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ऑप्शनल के लिए ही जाते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं भसवान कमेटी रिकमेंडेशन। ये यूपीएससी मतलब सरकार ने इस कमेटी को बनाया था, उन्होंने बहुत ही डिटेल एग्जामिनेशन किया था और यूपीएससी में जो डिस्पैरिटी चल रही है उनके बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। इनकी रिकमेंडेशन मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है स्क्रैपिंग ऑफ द ऑप्शनल पेपर टू डिसकंटिन्यू, ताकि मेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिविटी रिड्यूस हो सके और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारे कैंडिडेट्स के लिए आ सके। अब आप कहेंगे कि सेम चीज गवर्नमेंट आर्ग्यू कर रही है, इस कमेटी में सिविल सर्वेंट्स ने बैठ के सारी चीजों का एनालाइज किया था, तो क्या वो भी कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं बाय सेइंग स्क्रैपिंग ऑफ द रिमूविंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब कमेटीज की रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है, आज से एक साल बाद, दो साल बाद यू विल बी सीइंग यूपीएससी में ऑप्शनल नहीं रहेगा, ट्रस्ट में। और यही चीज हरियाणा में भी एक दो साल के बाद हो जाएगी, मे भी हो सकता है कि इस बार ना भी हो, बट एक साल, दो साल, तीन साल बाद हो जाएगी, देन व्हाट विल हैपन। तो इस चीज को जितना जल्दी करा जाए उतना ही ठीक है। जैसे इन्होंने एज लिमिट को रिड्यूस करने के लिए कहा था, एग्जाम स्ट्रक्चर, एप्टीट्यूड टेस्ट डालने के लिए, एसए को रीजनल लैंग्वेज में लेने के लिए, एथिक्स इंटीग्रिटी के पेपर में भी रिफॉर्म्स के लिए कहा गया था और स्क्रैपिंग ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी बोला गया था। तो ये सारी चीजें आपके पास इंटरनेट में आपको आराम से मिल जाएगी, आप इनको देख भी सकते हैं। उसके अलावा भी अब देखो, मैं जो मुझे चीजें ठीक लगती हैं, एज अ स्टूडेंट आई हैव बीन देयर। मेरी जर्नी 2014 में स्टार्ट हुई थी, आई हैव गिवन 5 यूपीएससी मेंस, 3 इंटरव्यूज, क्वालिफाइड एचसीएस, ठीक है, एमबीबीएस आई हैव डन, एलएलबी मेरी कंप्लीट होने वाली है, और इतने सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि रैशनल तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली पुट किया जा सकता है, बिकॉज हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में, राइट्स में आपके पास अधिकार है, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, बट उसके पीछे आर्ग्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, तभी आर्ग्यूमेंट करने में मजा भी आता है, अदरवाइज फिर देर इज नो नीड। आप चार पॉइंट बताएं, हमारे जो ओपिनियन है, अगर मतलब डेफिनेटली अगर आपके आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तो वी विल चेंज अवर ओपिनियंस, कि हमें हो सकता है जो चीज हम अभी तक नहीं देख पा रहे हो आप उनको दिखा पाए, तो देन फील फ्री टू कमेंट जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि नहीं इस वजह से नहीं हटना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने लगता है कि आपने एक साल, डेढ़ साल, छह महीने ऑप्शनल की तैयारी में लगा दिए हैं और वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, देन ट्रस्ट मी दिस इज नॉट द वे टू थिंक। आप एक लॉन्ग टर्म में सोचिए, जब बार बार एग्जाम होंगे और बार बार उसी तरीके से डिस्पैरिटी रहेगी, तो आई डोंट वांट कि एनी स्टूडेंट शुड सफर, बट इफ दिस कंटिन्यूज दिस वे देन डेफिनेटली मैनी ऑफ द स्टूडेंट दे विल बी सफरिंग अगेन एंड अगेन। बट एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बींग, आई कैन नॉट सी दैट हैपनिंग, तो मैं अपनी वॉइस को तो बार बार रखूंगा जो मुझे ठीक लगता है, आपको जो ठीक लगता है आप उसको भी रख सकते हैं। ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।